वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक मिठाइयाँ जो पहले से ही खाते आ रहे हैं और कभी भी पुरानी नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक पैन में रवा डाल देते हैं और उसे थोड़ा भून लेते हैं। गैस मैंने मीडियम रखी हुई है। रवा हम तब तक भूनेंगे कि उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। रवा भून चुका है, मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे हम साइड में निकाल लेते हैं। उसी पैन में चने का आटा डाल देते हैं और स्लो गैस पे भून लेते हैं। हमें उतना ही भूनना है कि आटे का कच्चापन निकल जाए। यहाँ पे मैंने झाड़ा बेसन ही यूज़ किया है, बारीक बेसन यूज़ नहीं किया है। बेसन भून चुका है, उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। उसी पैन में मैं घी डाल रही हूँ। पहले मैं थोड़ा ही घी ले रही हूँ। घी गर्म हो चुका है, मैं बेसन डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस मैंने मीडियम रखी हुई है और इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है, थोड़ा भी छोड़ना नहीं है। चने के आटे को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे। हाथ थोड़ा फास्ट फास्ट ही चलाना है, नहीं तो तले पे चिपक जाएगा। बेसन घी में भून चुका है और एकदम अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें अपना भुना हुआ रवा डाल देती हूँ। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। मैं काजू और बादाम के टुकड़े डाल रही हूँ और इसे बेसन के मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं इलायची और जायफल का पाउडर डाल देती हूँ। गैस बंद कर देने के बाद भी इसे 2 मिनट तक भूनना है। मिक्सर को परात में निकाल लेती हूँ और इसे 8 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देती हूँ। हमारा मिक्सर ठंडा हो चुका है, इतना भी ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म ही रखेंगे। और अब मैं इसमें गुरु शक्कर डाल देती हूँ। से हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। गुरु शक्कर आपको कहीं पे भी जनरल स्टोर में मिल जाएगी। शक्कर आटे में अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब इसके लड्डू बना लेते हैं। इसको हाथ से ऐसे अच्छे से मसलेंगे और दोनों हाथों से गोला बना देंगे। मैंने मीडियम साइज के लड्डू बनाए हैं। आप कैसे भी साइज के लड्डू बना सकते हो, छोटे बड़े जो मन चाहे। हमारे लड्डू बन चुके हैं, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं।
देते हैं। मैं आटा दूध से बांध रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध लूंगी। आटे को अच्छे से मसलना है। मेरा आटा बन चुका है, मुझे इतना सॉफ्ट आटा चाहिए। अब इसे ढक देते हैं और आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। एक बाउल में भुना हुआ मावा, भुना हुआ रवा, दरदरा पिसा हुआ बादाम, दरदरा पिसा हुआ काजू, दरदरा पिसा हुआ पिस्ता, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी चारोली, ये ऑप्शनल है, इलायची जायफल का पाउडर और गुरु शक्कर डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने स्टफिंग मिक्सचर डबल क्वांटिटी में बनाया हुआ है। अगर आपको इतना नहीं बनाना है तो आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। शक्कर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। आटे में से एक लोया ले लिया है और उसे चकले पे रख के बेल लेते हैं। इतना मोटा ही बेलना है। अभी इसके किनारे पे पहले पानी लगा लेते हैं और बीच में अपना स्टफिंग रख देते हैं। अब इसे हम बंद कर देते हैं। यहाँ से हमें उसे अंदर की तरफ मोड़ के पिंच करना है। वैसे ही पिंच करते जाएंगे। हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि इसे अपने आप ही तलने देना है, इसे टच नहीं करना है। देखिए कितना अच्छे से फूल के ऊपर आ चुका है। अब मैं इस पे थोड़ा सा गरम घी डाल देती हूँ। अब इसे मैं पलट लेती हूँ। घुघरा बनाना बहुत इजी है। इसमें हमें सिर्फ तीन बातों का खास ध्यान रखना है कि हमें आटा मलने के बाद जब हम इसे रेस्ट करने देते हैं तो हमें गीला कपड़ा ऊपर ढक देना है और स्टफिंग भरने के बाद भी हमें इसे गीले कपड़े से ढककर ही रखना है। इसे हमने अच्छे से तल लिया है। हमारा घुघरा बन चुका है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जो बिल्कुल फ्री है और साइड में दिए गए आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस को लेकर के आपकी राय क्या है। तो दिल से बनाओ दिल से खाओ।